अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वारिस और आप देख रहे हैं हॉट टेक उर्दू। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल प्ले स्टोर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल प्ले स्टोर की तमाम ऐप्स को इंस्टॉल कर सकेंगे और एंड्रॉयड फ़ोन की तमाम ऐप्स को भी रन करवा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने लैपटॉप में गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना चाहते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन की तमाम ऐप्स को भी रन करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप में मौजूद गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सिंपली आपने यहां पर सर्च करना है नॉक्स प्लेयर के नाम से, NOX नॉक्स प्लेयर PLAYER। तो जैसे ही आप यहां पर सर्च करते हैं तो आपके सामने यहां पर मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी और नंबर वन पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फ्री एंड्रॉयड एमुलेटर ऑन PC एंड Mac डाउनलोड नॉक्स प्लेयर, यहां पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, द सिंपलर द बेटर डाउनलोड वर्जन 6.3। तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर तो नॉक्स प्लेयर आपके लैपटॉप में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने में बस एक दो मिनट लगेंगे। इंस्टॉलेशन जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको पहले से जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ से मैं सर्च करके नॉक्स प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा नॉक्स प्लेयर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे साइन इन का ऑप्शन मांगेगा, तो वहां आपने सिंपली अपना जीमेल और पासवर्ड दे के साइन इन हो जाना है। तो साइन इन होने के बाद सिंपली आप यहां पे देखेंगे कि आपको यहां पे ऐप सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे एंड्रॉयड फ़ोन की तमाम ऐप्स मिल जाएंगी और आप इन ऐप्स को अपने लैपटॉप या पीसी में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड फ़ोन की तरह तमाम वो ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी अगर आप यहां से वॉल्यूम को अप करना चाहते हैं तो अप भी कर सकते हैं और अगर आप डाउन करना चाहते हैं तो डाउन भी कर सकते हैं। और यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी अगर आप यहां से बैक जाना चाहते हैं तो यहां पे इस पर क्लिक करें तो सिंपली आप यहां पे बैक चले जाएंगे। और यहां पे आप नीचे देखें कि आपको यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेंजर, पबजी मोबाइल, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या पीसी में ईजीली गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन की तमाम ऐप्स को भी रन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरह की और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल हॉट टेक उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।